सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे ना अपन कल स्टार्ट किए थे मैसर्स संतोष कुमार से, देखो सीमेंट लिया है फैक्ट्री से, दवाइयां मींस मेडिसिन, चाय मतलब टी, गुड़, टाइल्स है ना, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने बोला और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पूर्तिकर्ता का माल सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कुल आवर्त और कर योग्य मूल्य, मतलब सिर्फ कोई टैक्स वैक्स निकालने नहीं बोल रहा है, सिर्फ कर योग्य मूल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कॉलम बनाओगे, सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं साथ में, पर्टिकुलर रहेगा एक, फिर अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में मैंने दो कॉलम बोले थे, एक लिखवाती थी मैं आप लोगों को एग्रीगेट और एक लिखवाती थी मैं आप लोगों को टैक्सेबल, याद आया? यस मैम, है ना, चलो बनाओ जल्दी से। फर्स्ट लिखोगे सीमेंट, कितने का सप्लाई है देखो 13,25,000 का। ठीक, तो सेकंड क्या लिखा है, मेडिसिन मतलब दवाइयां लिखोगे, उसका कितना है 7,50,000। फिर टी दिया है 2,60,000, फिर गुड़ दिया है 2,00,000 का, फिर टाइल्स दिया है 17,00,000 का। अब देखो इसमें टैक्सेबल सीमेंट टैक्सेबल होगा, मेडिसिन भी टैक्सेबल होंगी, टी भी टैक्सेबल है, देखो गुड़ ये एग्जेम्प्ट होता है टैक्स फ्री। अपनी लिस्ट में लिख दो, जो एक लिस्ट बनाने बोली थी ना मेंटेन करने, उसमें लिखो। यस सर, टाइल्स लिखो टैक्सेबल है, टोटल करो। ये आ गया आपका आंसर, ये देखो ये ए निकालने बोला था एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब ये देखो हिंदी में देखो कुल आवर्त, तो ये जो एग्रीगेट लिखा था मैंने टर्नओवर, ये लिखना आप लोग कुल आवर्त, आ रहा है समझ में? यस मैम। और ये हुआ देखो टैक्सेबल मतलब कर योग्य मूल्य, योग्य टैक्सेबल मूल्य। विश्वास मॉडर्न जनरल स्टोर दिल्ली ने माह मार्च, देखो ये है ना पाउडर लिया है, कहाँ से ले रहा है देखो, ये देखो कहाँ का है, ये दिल्ली का, हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ये देखो दिल्ली का है ये, कहाँ से ले रहा है पाउडर, मुंबई से ले रहा है देखो। तो देखो ये जो सप्लाई और जो ट्रेडर्स वाली वैरायटी होगी है ना, फिर चाहे ट्रेडर्स वाला हो चाहे प्रोड्यूसर वाला हो, आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपका स्टेट और उसका स्टेट सेम है कि नहीं है। फिर देखो क्रीम, काजल, कुमकुम, ये क्या कॉस्मेटिक्स वाला है पूरा जनरल स्टोर्स है ना, ऑप्टिकल्स, ग्लास, बैंगल्स लिखा है। अब देखो कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी, फिर देखो इसमें क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ क्रीम इंक्लूडेड, दिख रहा है ये गुड्स, किसको सप्लाई किया है, गुजरात के डीलर को 38,700 का, क्रीम की पूर्ति में गुजरात के व्यापारी को भेजा गया माल। सॉल्व करें क्वेश्चन। यस मैम।
फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? पाउडर। कहां से परचेज कर रहा है? देखो मुंबई से, है ना। कितने का ले रहा है? 4,18,000। सेकंड देखो, क्रीम कितने का दिया है? 3,67,000। फिर क्या दिया है? काजल, कुमकुम, फिफ्थ पॉइंट देखो, स्पेक्स दिया है, ऑप्टिकल्स, 28,250। फिर क्या दिया है? ग्लास बैंगल्स, 4,18,000। अब देखो जो पाउडर है वो टैक्सेबल रहेगा, 4,18,000। क्रीम ये भी टैक्सेबल रहेगी, ये देखो ये एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट है, लिख लो अपने लिस्ट में, है ना, अपने लिस्ट में ऐड करो इन सबको और इसको एग्जेम्प्ट करो, लिस्ट बनाते चलो अपनी। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल्स 28,250। यहाँ देखो क्या लिखा है, 200 रुपए तक के मूल्य के, ठीक है, होते हैं, लेकिन ये लिया कितने का है? 28,250। तुमने ये पूरा लिया। नेक्स्ट देखो, ग्लास बैंगल्स कितने का लिया है? 39,200। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसका टोटल करो बेटा पहले सब। टोटल किया? यस मैम। कितना रहा है? मैम 8,79,450 आ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। और इसमें कितना आ रहा है? 8,13,250। अब मेन पार्ट देखो क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी देखो। अब समझना, हाँ कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ध्यान से समझना, सिलेक्ट करके रखना क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके। ये बैक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके पहले जो किया था वो बैक क्वेश्चन 1 था, ठीक है, गुड्स सप्लाइड बाय ट्रेडर्स वाले चैप्टर का, याद रखना। व्यापारियों द्वारा माल की पूर्ति के लिए, है ना। अब देखो ये कहाँ का है? दिल्ली का है, है ना। इसने पाउडर कहाँ से लिया? मुंबई से लिया। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? गुड्स सप्लाइड बाय ट्रेडर्स, ये खरीद रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विश्वास मॉडर्न जनरल स्टोर्स दिल्ली ने निम्नलिखित माल की पूर्ति की, तो सप्लाई, गुड्स सप्लाई बाय ट्रेडर्स, तो इसने जो पाउडर खरीदा मुंबई से, ये क्या इसने सप्लाई किया क्या कि खरीदा है? बताओ, खरीदा है, है ना, तो खरीदा है वो, तो इस पे जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ क्रीम इंक्लूडेड गुड्स सप्लाई टू डीलर ऑफ गुजरात। ये देखो, क्रीम की पूर्ति में गुजरात के व्यापारी को भेजा गया माल 38,700 रुपए शामिल है। अब ये लिखा है ना कि ये सप्लाई कर रहा है, कितने का कर रहा है? कितने का कर रहा है? 38,700। और टोटल क्रीम कितने की है? देखो 3,67,000 की थी, ठीक है। अब देखो, यस,
अपने पास जो टैक्सेबल सप्लाई है वो टोटल कितने का है? 813250. बेटा टोटल टैक्सेबल सप्लाई बोल रही हूँ चितेश. यस 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 है ना. ये कितने का है? 813250. अब इसमें क्रीम वाला भी तो इंक्लूडेड है. यस मैम. ठीक है, तो देखो जो गुजरात में सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है? 38700. तो माइनस सप्लाई टू इंटरस्टेट वाला कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे कितना? 38700. चलो माइनस करो. 7,74,550. तो ये क्या हुआ? सप्लाई विद इन स्टेट. सप्लाई विद इन स्टेट को इंटर स्टेट बोलते हैं कि इंट्रा स्टेट बोलते हैं? इंट्रा स्टेट. नोट करो सब, ये लिखो माल के क्या राज्य के भीतर पूर्ति, ये सप्लाई विद इन स्टेट. मैम ये सब कैलकुलेशन जो करेंगे मैम इसको अलग से हेड बना के करेंगे कि वर्किंग नोट में जाएगा? ये बेटा वर्किंग नोट में जाएगा ना सब, ये देखो. ठीक है, ये वर्किंग नोट में जाएगा, ये पूरा वर्किंग नोट में आएगा आपका. ये आप लोग एक प्रोफॉर्मा बनाएंगे, ये कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एंड टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, फिर सेकेंड प्रोफॉर्मा आप लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ GST पेबल, और ये वाला पोर्शन आपका वर्किंग नोट में. चलो सॉल्व करें क्वेश्चन. अब लिखो फर्स्ट ए, GST विद इन स्टेट राज्य के भीतर पूर्ति कितने का वैल्यू था? रुपीज, ये देखो 7,74,500 पे. फर्स्ट CGST एट द रेट, ये देखो कितना परसेंट है रेट ऑफ GST, 18 मतलब 9%. बी SGST एट द रेट 9%. चलो निकालो 774,500 का 9%. 69709.5. क्या बोला? बोलो 69709.5 है तो उसको 710 कर दो. तो इधर भी 69710 आ गया. फिर बी पॉइंट GST आउटसाइड स्टेट मतलब इंटर स्टेट किस पे लगेगा? 38700 क्रीम का है एट द रेट, है ना ये था. तो इसमें फर्स्ट ही आएगा IGST एट द रेट 18%. 18% कितना हुआ? 38766. तो लिखो टोटल GST पेबल, टोटल करो. आ गया सबका? यस मैम. अच्छा था, सिलेक्ट करके रखो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट करके. मैम एक बार फिर समझाया ना वर्किंग नोट वाला. देखो वर्किंग नोट पे ये पूरा, देखो टेंशन मत लो वर्किंग नोट पे, है ना. वर्किंग नोट में बस एक चीज ध्यान पे रखो आप लोग, ये देखो ये जो टैक्सेबल सप्लाई दिया रहेगा ना, जो टैक्सेबल सप्लाई निकलेगा अपना, ठीक यहाँ बनाओ साइड में. देखो
ये रफ करके बना रही हूँ फिर से, है ना। अच्छा ये समझ में आया था कि क्रीम वाला ही क्यों लिया था और पाउडर वाला क्यों नहीं लिया? यस हम पाउडर क्रय कर रहे हैं ना, पाउडर का क्या कर रहे हैं? क्रय कर रहे मारूंगी थप्पड़। परचेज उसी को हिंदी में बोले ना, क्रय परचेज कोई। इधर देखो है ना, ध्यान से देखो एक मिनट, हाईलाइट कर रही हूँ। हाँ इधर देखो, यहाँ लिखा है ना सप्लाई कर रहे हैं हम क्रीम को, क्या कर रहे हैं हम? सप्लाई कर रहे हैं किसके डीलर को? गुजरात के डीलर को। हाईलाइट किया दिखा आप लोगों को, क्रीम की पूर्ति में गुजरात के व्यापारी को भेजा गया माल शामिल है, ये हाईलाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। देखो टॉपिक क्या कर रहे हैं अपन, सप्लाई वाला है ना, व्यापारियों द्वारा माल की पूर्ति। कोई देखो टॉपिक पे ध्यान दो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, तो जो सप्लाई करेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो अब क्वेश्चन पे देखो, कौन सी जनरल स्टोर है? कोई मॉडर्न जनरल स्टोर है, वो कहाँ की है? दिल्ली की है ना। तो ये जो जनरल स्टोर है ये है दिल्ली की, इसने सामान कहाँ से खरीदा? अपना फर्स्ट पॉइंट पाउडर मुंबई से। तो इसके खरीदने से हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन में क्या, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है माल की पूर्ति। देखो क्वेश्चन में क्लियर कट करके दिया है, कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो निम्नलिखित माल की पूर्ति की है ना, ये देखो तो कंप्यूट क्या करने बोला है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हम सिर्फ सप्लाई वाला देखेंगे, तो ये सप्लाई कहाँ कर रहा है? पाउडर तो देखो ये मंगवा रहा है, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ से भी मंगवाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस वाली एंट्री को हम टैक्स वैक्स उस पर नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखो सप्लाई ऑफ क्रीम करने बोला है, तो सप्लाई ऑफ क्रीम में, क्रीम की पूर्ति में गुजरात के व्यापारी को भेजा गया माल। तो जो क्रीम है ठीक है, उसमें ना एक ऐसा अमाउंट इंक्लूडेड है जो गुजरात गया है, कितने का गया है वो? 38,700 का, ठीक है। और बाकी ये एज्यूम किया है कि वो उसी के स्टेट में ही हो रहा है। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सप्लाई वाला है ये कहाँ का? दिल्ली वाला। तो अगर दिल्ली वाला गुजरात में भेज रहा है, मतलब दूसरे राज्य में भेज रहा है ठीक है, गुजरात, तो हम सिर्फ उसका अलग से करेंगे। तो देखो जो टैक्सेबल अमाउंट है 813250, उसमें से हम जो दूसरे स्टेट वाला है वो माइनस कर देंगे, कितना? क्रीम का 38,700। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 774,550। तो ये जो माइनस करके निकाला, ये कौन सा था? आउटसाइड स्टेट, मतलब गुजरात वाला, राज्य के बाहर। तो जो बच गया वो कौन सा हो गया? राज्य के भीतर, मतलब इंटर विद इन स्टेट, ये हो गया। तो टैक्स कितना लगाना है? 18%, ठीक। तो ये देखो जो अपने स्टेट का है उस पर देखो CGST और SGST दे दिया, और जो बाहर का अलग किए थे 38,700 उस पर किस नाम से टैक्स दे दिया? IGST के नाम से। अगर आप लोग लॉजिक देखोगे पूरा का पूरा 813250 का भी अगर आप लोग 18% निकालोगे ना, निकालो तो 813250 का 18% निकालो डायरेक्ट, आ रहे सबका? यस मैम। देखो वही अमाउंट आया कि नहीं आया, ये जो यहाँ पे आया है लास्ट में GST पेबल का टोटल देखो, yes. है ना। तो दोनों सेम है, कुछ नहीं है, बस हमको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट को अलग करना है, और कुछ नहीं किया। इंटरस्टेट हमने अलग किया, इंट्रास्टेट हमने अलग किया, इन दोनों का टोटल करोगी ना तो सेम आंसर आएगा ना, 774550 प्लस 38700 टोटल करोगी तो आएगा 813250।
बस हमने उसमें से दूसरे राज्य वाला माइनस कर दिया और अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। ये देखो नेक्स्ट करें क्वेश्चन। यस मैम। वीरेंद्र ब्रदर्स ना बडनगर, जो कि मध्य प्रदेश में पंजीकृत पूर्ति करता है निम्नलिखित माल की पूर्ति की, कहाँ का है ये? एमपी का है। कपड़ा कहाँ से ले रहा है? यूपी से ले रहा है क्लॉथ। तो कहाँ से खरीद रहा है उससे कोई मतलब है क्या? बताओ। नो मैम। नहीं है, है ना? तो क्लॉथ कितने का ले रहा है? 11,08,700 रुपए का। सेकेंड देखो, गेहूं किसानों से खरीदकर उपभोक्ताओं की पूर्ति, वीट 13,12,000। कॉपीज है ना, एक्सरसाइज बुक लिया है। देखो क्या लिखा है, अभ्यास पुस्तिकाएं दिल्ली के व्यापारी को पूर्ति, एक्सरसाइज बुक सप्लाइड टू डीलर ऑफ दिल्ली। इससे मतलब है ना अपने को, देखो सप्लाई कर रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है? दिल्ली। खुद कहाँ का है ये? एमपी का। कितने का कर रहा है? 7,17,500। नेक्स्ट देखो, किराना गुड्स ग्रोसरी ले रहा है सब, कितने का ले रहा है? यूपी से प्राप्त किया, कोई मतलब नहीं है कहाँ से भी प्राप्त कर रहा है। आगे देखो, सप्लाई ऑफ क्लोथ, ये जो क्लोथ है फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स वर्थ ₹1,87,000। उस क्लोथ में रेडीमेड गारमेंट का अमाउंट जुड़ा है 1,87,000। कोई मतलब है क्या इसका? जुड़ा रहे, कल भी मैंने बताया था क्लॉथ में जुड़ा है या उसका नहीं जुड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताया था मैंने ये। यस मैम। नेक्स्ट देखो, सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स अलाउड कैश डिस्काउंट, हाँ कैश डिस्काउंट दिया है तो वो माइनस करेंगे 3,000 रुपए। चलो कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेबल एट 5%। तो टोटल कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। 3,34,820। अब देखो क्लॉथ में रेडीमेड गारमेंट्स में 3,000 का क्या है? कैश डिस्काउंट। तो हम टोटल करने के बाद भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टैक्सेबल है 11,08,700। वीट टैक्स फ्री होगा, बाकी सब टैक्सेबल है। टोटल करो 2,033,200। थप्पड़ मारूंगी। अच्छा से टोटल करो तो आएगा 2,033। क्या क्या फिर से रिपीट करो, क्या आ रहा है आंसर? 2,036,200। हाँ ऐसे ही एकदम मार के डर से आंसर सही आता है तुम लोगों का। देखो फिर माइनस करना है इसमें कैश डिस्काउंट रेडीमेड गारमेंट्स वाला कितना है? 3,000।
तो 2033200 है ना, या फिर एक और ऑप्शन कर सकते हो, ये जो अमाउंट है 11,08,700 है ना, इसको तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 11,05,700, लेकिन आपको फिर सॉल्यूशन के बाद वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा और एक स्टार करके बनाना और यहाँ पर भी एक स्टार बना देना, तो समझ जाएगा कि वर्किंग नोट का है। तो यहाँ पे नहीं लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख सकते हो, ठीक है इतना? Yes. चलो निकालो, डायरेक्ट जीएसटी निकालो तो चलो 5% से। CGST, 101, ये सब करते रहना, खुद IGST वगैरह। चलो बताओ डायरेक्ट टैक्स बताओ मेरे को। 101, 66, 660 आया समझ में? CGST कर सकते हो उसमें, SGST कर सकते हो, IGST कर सकते हो। देखो ये जो किराना गुड्स सप्लाई कर रहा है किसके, डीलर ऑफ दिल्ली को है ना, इसमें चाहो ना, देखो एक चीज बता रही हूँ, दो तीन चीज समझो, कुछ बोल रही हूँ समझा करो, इसको आप लोग चाहो ना तो सिर्फ CGST और SGST में ले सकते हो, और IGST नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्यों, रीजन क्या हो सकता है बताओ। नहीं ना बेटा, इतना मत सोचो, फालतू लॉजिक नहीं लगाओ, भारत में नहीं होगा, ये लॉजिक ही नहीं देना, ठीक है? चलो ये IGST के लिए कौन सा वाला कर दोगी अमाउंट अलग, ये कितना है 717,500, टोटल कितना आ रहा है तुम लोगों का देखो 20,33,200, जिसमें से 717,500 माइनस कर देना, कितना आएगा बताओ। बताओ वन थ्री वन फाइव सेवन डबल जीरो। तो इस 717,000 पे IGST देना और ये 13,15,000 पे CGST और SGST देना, और तुम लोगों के पास जिसके पास बुक होगा ना उसमें वो सिर्फ CGST और SGST डाला होगा, किया है कि नहीं किया है ऐसा, क्या बोल रहे हो? कौन से राइटर की बुक है? सकलेचा की है बेटा। मैम सबको क्यों नहीं मिलती सकलेचा की? सकलेचा किसी को भी नहीं मिलती है, और बोलो। मैम तो मैं पता कब चलेगा मैम, कब IGST लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सब बता तो रही हूँ, सप्लाई ट्रेडर को दे रहे हैं दूसरे स्टेट को, तो दूसरे स्टेट वाले को देते हैं तो क्या लगाते हैं अपन IGST। यस मैम, समझ। और CGST और SGST अपन किसको देते हैं, जो विद इन स्टेट में है, इसमें समझना क्या है, कोई कंफ्यूजन है क्या कहीं पे? ये देखो बुक में ना सकलेचा में आंसर्स बहुत गलत दिया रहता है, एक चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उसके जो आंसर तो सही निकाल के दे देगा लेकिन निकालने का जो वे है वो उसका बहुत ही ना, उसमें मैच करो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अपन क्या CGST SGST और IGST क्लियर निकाल के दिया था जैसे हमने किया था, और अभी वाले में डायरेक्ट GST करके दे दिया होगा या CGST और SGST बस लिया होगा, है ना? Yes, ma'am. सेम पे गड़बड़ करता है वो, तुम छोड़ दो ना, इसलिए तो उसके आंसर्स और उसके क्वेश्चंस वाले तुमको देती नहीं हूँ मैं तुमको क्लियर कट इतना अच्छा क्वेश्चन देती हूँ और आंसर बता रही हूँ, तो तुम फोकस करो ना चीजों पे, है ना? Yes, ma'am. तो IGST पे कितना आएगा देखो 5% से, बताओ
नेहा बोलो, ये 7,17,500 पे 5% निकालो बेटा। थ्री फाइव एट सेवन फाइव। और इस पे जो विद इन स्टेट वाले का कितना अमाउंट बचा था, 7,17,500 माइनस किया था तो 1,315,700। चलो इस पे 2.5% निकालो। 32,893 तो एक में ना 32,892 कर देना, या चलो या 892 करो ना, 0.5 करो, इक्वल है तो चलो टोटल करो तीनों का। वन जीरो वन डबल सिक्स जीरो आ रहा है तीनों का टोटल। ये हो गया जीएसटी और ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू है ना, या सप्लाई। आ रहा है समझ में? यस। ठीक।